लबनान में हिज़्बुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह चैलेंज कर रहे थे कि गाजा को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन आज देखिए इजरायली सेना ने ऐलान कर दिया है कि उसकी सेना ने गाजा पट्टी को दो हिस्सों में बांट दिया है ताकि हमास के लड़ाकों का पूरी तरह से सफाया किया जा सके। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि इजरायली सेना ने अस्पताल में छिपे बैठे हमास के कमांडरों पर सीधा हमला किया था, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो मुस्लिम मुल्क क्या कर रहे हैं जो हमास का जंग में साथ देने का दावा कर रहे थे? क्या अकेले ही इजरायल ने अपने दम पर मुस्लिम मुल्कों के पसीने छुड़ा दिए? हिस्सों में फाड़ दिया गाजा। या अल्लाह, या अल्लाह। ईरान, सीरिया, लेबनान, तुर्की, इराक, जॉर्डन और मिस्र, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि महज 30 दिन की जंग में इजराइल गाजा पट्टी को फाड़कर दो हिस्सों में बांट देगा। इसराइल की आईडीएफ के सैनिक भूखे शेरों की तरह हमास के लड़ाकों का शिकार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के दावों के मुताबिक आईडीएफ के सैनिक उत्तरी गाजा में बेहद अंदरूनी हिस्सों में पहुंच चुके हैं, जहां वो हमास के लड़ाकों को सुरंगों और इमारतों में ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हमास के लड़ाके अपनी ही सुरंगों में जिंदा दफन हो रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हमास के लड़ाके आखिरी जंग के लिए सुरंगों से निकलकर इजरायली सेना पर क्रूर हमले कर रहे हैं। और आईडीएफ को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हिज़्बुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक तबाही मचाने का ऐलान कर रहा है। كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة हाफने लगा हमास, हकलाने लगा हिज़्बुल्लाह। सात अक्टूबर से अब तक गाजा पट्टी में 720 घंटे की जंग हो चुकी है। हमास ने जमीन के ऊपर और सुरंगों के अंदर से इजरायली सेना पर पूरी ताकत से हमला किया है, लेकिन इसके बावजूद 29 अक्टूबर से शुरू हुए दूसरे चरण के हमले में इजरायल के आईडीएफ ने गाजा में हमास को रौंद कर रख दिया है। कल्पना से भी ज्यादा भीषण हवाई हमलों ने उत्तरी गाजा के चीथड़े उड़ा कर रख दिए हैं। लगभग 30 दिन की जंग में गाजा पट्टी में 35,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं, जबकि उत्तरी गाजा में मौजूद 35 में से 19 हॉस्पिटल्स को इजरायली सेना ने तबाह करके रख दिया है। इजरायल का दावा है कि मस्जिद, अस्पताल, स्कूल और रिहायशी इमारतों के नीचे हमास ने कमांड सेंटर बना रखे हैं, जिसकी वजह से हमास के साथ साथ फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं।
खबर ये आ रही है कि गाजा में इजरायली सेना ने इस तरह से हमला किया है कि हमास के लड़ाके बुरी तरह से घिर गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक गाजा में 3000 से ज्यादा हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं, जबकि 35 से ज्यादा हमास कमांडर मारे जा चुके हैं, जिसमें से 10 से ज्यादा हमास के टॉप कमांडर थे। 1300 से ज्यादा सुरंगों से भरी पड़ी गाजा पट्टी को इजरायली सेना ने तबाह करके रख दिया है। खबर आ रही है कि हमास की 300 से ज्यादा सुरंगों को उत्तरी गाजा में तबाह कर दिया गया है। 30 दिन के जंग के बाद इजरायली सेना ने कहा है कि गाजा अब दो हिस्सों में बट गया है। दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना मानवीय सहायता पहुंचवा रही है। वहां अगर कोई हमास लड़ाका पहुंच रहा है तो उसे मार गिराया जा रहा है, जबकि वहीं उत्तरी गाजा में जंग तेज हो चुकी है, जहां से फिलिस्तीनियों को तुरंत उत्तरी गाजा खाली करने की चेतावनी देते हुए उत्तरी गाजा खाली करवाया जा रहा है। इसराइल के पूर्व पीएम एहुद बराक ने दावा किया है कि अब इसराइल अगले 10 से 20 साल तक गाजा पर कब्जा रखेगा। गाजा को दो हिस्सों में बांटने से अब इसराइली सेना उत्तरी गाजा से हमास के लड़ाकों और समर्थकों का पूरी तरह से सफाया कर रही है।